हेलो बच्चों, ये है 1.1 का थर्ड क्वेश्चन जो कि काफी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सही से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं आपको एक चैट दिखाना चाहता हूँ। इसके थ्रू मैं आपको कुछ ना कुछ समझाऊंगा। सबसे पहले आपको इंग्लिश में बताऊंगा, फिर हिंदी में भी बताऊंगा। एन आर्मी कॉन्टिंजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ, जो भी लिखा है इसको हिंदी में समझिए। 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी एक परेड में 32 सदस्यों के एक सेना बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, तो 600 सेना लोगों की एक 600 सेना लोगों की सेना की टुकड़ी है। ठीक है, कोई आदमी आया है, बड़ा आदमी मिलने के लिए। ठीक है, उसको 600 सेना लोग के जो 616 है वो सदस्यों की सेना की टुकड़ी को पीछे खड़ा होना है। ठीक है, किन के पीछे खड़ा होना है? जो बैंड बजाते हैं, बैंड बैंड वाली सेना, सेना के लोग हैं सब, 32 सेना वाले लोग हैं। ठीक है, देखो 32 सेना वाले लोग, देखो क्या है इसमें आगे लिखा है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। दो समूह, अब दो समूह क्या है? आपको जे नहीं समझ में आया तो आप कैसे क्वेश्चन समझेंगे? दो समूह का मतलब है, पहले तो वो 32 मेंबर, ठीक है, जब भी कोई आदमी इधर से निकलेगा, ठीक है, इधर से निकलेगा तो सबसे पहले जो बैंड से उसका स्वागत होगा। तो जो बैंड में खड़े 32 लोग हैं, ठीक है, अभी हमें नहीं पता है कि किस किस में, मैंने 8 में डायरेक्ट लगा दिया, यही आंसर है राइट, लेकिन आप समझिए 8 × 32, 32 लोग यहां खड़े हो गए। ठीक है, और जो पीछे जो फिर जो आर्मी हो खड़ी होगी, जो कौन सी आर्मी होगी? 616 लोगों की। तो फर्स्ट ग्रुप हमारा है 32 मेंबर्स का, ठीक है, 32 मेंबर्स, और फिर है 616 मेंबर्स का। ठीक है, हमें इनको इस तरीके से खड़ा करना था कि हमारा हर मेंबर खड़ा हो जाए, और कोई भी जैसे कि, और जितने भी जो कॉलम्स हैं, देखो जे होती हैं रो, 1 2 3 4, फिर जे ऐसे करते हुए जे हो जाती हैं क्या, रो, जो पीछे लंबी लंबी चलती हैं, जी चलती हैं कॉलम। अगर आदमी इधर से आएगा, इधर से आएगा तो बात अलग थी, इधर से आएगा तो बात अलग है, आदमी इधर से आएगा, जब इधर से चलते हैं तो फ्रंट की चीज होती है वो होती है रो, जो एक रो में लगे हैं। लेकिन पीछे जो लगते हैं वो कहते हैं कॉलम। ठीक है, तो जो कॉलम 8 की है तो इधर 832 हो गए। अब 616, ठीक है, जे टोटल लोग हैं 616, जे फर्स्ट ग्रुप हो गया 32 लोगों का, सेकंड ग्रुप हो गया 616 लोगों का। ठीक है, तो एक में 8 है, 8 × 77 = 616। ठीक है, तो जे जो होंगे जो इधर ऐसे थे, जे 77 होंगे, और जे कॉलम है जो जो इसमें और इसमें सेम है वो है 8, 8 लोगों की जो वो है। ठीक है, अब हम आप सोचेंगे इसमें HCF ही क्यों निकालना है। पहले आपको जो समझ में आ गया कि हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, फर्स्ट ग्रुप है हमारा 32 मेंबर्स का आर्मी बैंड, सेकंड ग्रुप है 616 मेंबर्स का आर्मी कंटिंजेंट, जो कि बैंड एंड नहीं हो जाते, जे बैंड हो जाते हैं, इनके ऊपर बैंड बना दो। ठीक है, मान लो जे बैंड बने हैं सबके, जे सभी बैंड बजाते हैं, ठीक है, सभी 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 बैंड बजाते हैं, जे क्या करते हैं? सिर्फ आर्मी परेड करते हैं, नॉर्मल परेड। ठीक है, जो बैंड बजाते हैं जो 32, अगर हम चाहते अगर 32 से मल्टी 32 एक फैक्टर होता 616 का, वो कि नहीं है, तो हम 32 सबसे पहले फ्रंट में खड़े कर देते। सो हमने करी नहीं, पहले हमने 4 लोग करे, मैक्सिमम नंबर निकाल लेंगे, अगर हम 4 4 का लगाएं तब भी हो जाएगा, 2 2 का लगाएं तब भी हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए हमेशा हम HCF करते हैं। चलो HCF की कहानी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको जो समझ में आ गया होगा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 616 सदस्यों की सेना टुकड़ी एक परेड में 32 सेना बैंड बैंड वालों के पीछे लगी हुई है। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा, मैंने अपना पूरा बता दिया है। जो इधर हैं, जो 4 हैं, इधर होंगे 77 जो फ्रंट की रो के लोग हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा क्या, अब मैं आपको HCF का थोड़ा सा सीख लीजिए, कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है। नॉर्मल HCF हम लोगों ने क्यों निकाला है? ठीक है, अब HCF निकालने का मेन मकसद है कि हाईएस्ट HCF फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हमारे 25 हैं और हमारे पास रुपए हैं 10। ठीक है, हमें इसका जो अगर हम इसका LCM निकालेंगे, ठीक है, LCM निकालेंगे तो इसका LCM आएगा 50। ठीक है, नहीं मानते निकालो, 25 कॉमा 10, 5 2 25 5 5 5 1 5 1 5 5 25 2 50, 50 आ गया। ठीक है, तो 50 तो इससे ज्यादा होगा, तो 50 लाइन में अगर हम 616 एंड 32 का निकालें तो बहुत ज्यादा आएगा, मतलब 616 से प्लस में ही आएगा LCM। तो
इतने में तो हम नहीं खड़े करेंगे लोग, उसमें तो एक ही लाइन में नहीं खड़े हो पाएंगे, तो हम निकालेंगे एससीएफ। पहली बात तो हमें ये तो हमें एक नॉर्मल थिंकिंग का क्वेश्चन है बेटा, एससीएफ निकालना है तुम्हें इसमें, ठीक है। तो एससीएफ निकालना बहुत आसान है, जो बड़ी डिजिट होती है उसको हम छोटी डिजिट से डिवाइड करते हैं। तो पहली बार 19 आया, तो नॉर्मल हमने यूक्लिड मेथड होता है, ठीक है। यूक्लिड मेथड कहता है डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो जो डिवाइजर होता है 8 वो एससीएफ हो जाता है, तुम्हारा 8 आ गया एससीएफ। लेकिन मैंने आंसर आपको पहले ही बता दिया है, कोशिश करें समझने की, मेन चीज ये है, इस चीज पे ध्यान दें तो आपको जरूर समझ में आएगा। जय हिंद जय भारत। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और अपने डाउट पूछेंगे तो मैं आपको जरूर डाउट बताऊंगा। थैंक यू सो मच, एंड आगे अगर कोई भी क्वेश्चन ना आए तो जरूर पूछें। अगर आप लाइक करेंगे कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हो सकता है इसमें कुछ गलती निकली हो, ढूंढें और मुझको बताएं।